तो फ्रेंड ये है हुंडई की ओल्ड मॉडल i20, तो ग्रे कलर में आपको मिलेगी और ये 2010 का मॉडल है। पेट्रोल प्लस CNG इसका फ्यूल है और 2024 में इसका जो 10 किलो का CNG पासिंग आता है वो ख़त्म होने वाला है 2024 में। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि ग्रे कलर में इसका लुक भी बढ़िया आता है। आप देख सकते हैं कि फ्रंट में हुंडई का लोगो मिल जाएगा, GJ01 इसका पासिंग है और 8594 इसका नंबर है। तो देख सकते हैं i20 का पूरा रिव्यू, मैं वीडियो में भी दिखाऊंगा इसका पूरा रिव्यू, और देखते हैं अंदर का इंटीरियर। तो फ्रेंड कुछ इस तरह से फ्रंट लुक दिखता है। इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी मिलेंगे, नीचे फोग लैम्प भी आप आफ्टर मार्केट लगा सकते हैं। तो ये ओल्ड मॉडल है, तो इस तरह से कुछ इसका लुक आएगा। टायर चार फोर टायर आपको नए मिलेंगे और यहाँ पे इंडिकेटर साइन भी मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल मिरर आपको इसमें नहीं मिलेगा, मैनुअल मिरर आपको मिलेंगे। और मैंने बात की थी चारों टायर आपको नए मिलेंगे और चाबी से अनलॉक लॉक आप कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड अंदर का कुछ इस तरह का अंदर का इंटीरियर है। ये देखिए ड्राइवर साइड और खाली साइड में आपको पावर विंडो मिलेंगे, पीछे आपको मैनुअली करना होगा। तो कुछ इस तरह से अंदर का इंटीरियर है फ्रेंड, इसका प्राइस भी मैं दिखा दूंगा। तो देखते हैं अंदर की साइड का इंटीरियर। तो कुछ इस तरह से आपको डैशबोर्ड मिलेगा देखने को, ओल्ड मॉडल i20 है। तो कुछ इस तरह से आपको इसका अंदर का इंटीरियर दिखेगा और ये मैन्युअली है, 5 गियर इसमें अवेलेबल है और एक रिवर्स गियर है। ये है फ्रेंड्स CNG का जो पेट्रोल और CNG में कन्वर्ट होता है, ये इसका स्पीडोमीटर है फ्रेंड्स। ये RPM मीटर है और ये स्पीडोमीटर है, आप देख सकते हैं 85,000 जेन्युइन चली हुई है और 10 किलो में इसका जो CNG पासिंग मिलता है 2024 में वो ख़त्म होने वाला है। इसका AC का इवेंट है फ्रेंड्स और दोनों साइड ट्विटर लगे हुए हैं फ्रेंड्स।
ये मिरर है, ये आपको मिरर मिल जाएगा फोर डबल खाली साइड में। यहाँ पे आपको तीनों साइड में भी हैंडल मिल जाएगी। तो कुछ इस तरह से i20 का अंदर का लुक आपको देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। सीट की कंडीशन की बात करें तो भी बढ़िया है, और आगे दोनों साइड ड्राइवर साइड और खाली साइड आपको पावर विंडो मिलेंगे, पीछे नहीं मिलेंगे इसमें, क्योंकि 2010 का मॉडल है फ्रेंड्स। देखते हैं पीछे की साइड फ्रेंड्स। तो पीछे की तरह आप, मैंने बोला था कि पावर विंडो आपको आगे दो साइड मिलेंगे, पीछे मैन्युअली एडजस्टेबल विंडो मिरर मिलेगा। तो पीछे डोर पे यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम का जो पोर्ट दिया गया है, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो पीछे की सीट की बात करें तो पीछे भी कंडीशन बढ़िया है, गाड़ी की ओवरऑल कंडीशन बढ़िया है, यहाँ से आप आगे का लुक देख सकते हैं। गाड़ी की कंडीशन बढ़िया है, तीन लोग पीछे कंफर्टेबल बैठ सकते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी स्पेस मिलेगी आपको। यहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, यहाँ पे हैंड ब्रेक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कोई पानी का बोतल हो यहाँ पे भी रख सकते हैं, आगे भी काफ़ी स्पेस है। यहाँ पे आपको लाइट मिलेगी, LED नहीं है फ्रेंड्स। तो कुछ इस तरह पीछे की कंडीशन देखने को i20 में मिलेगी। और सेफ्टी की बात करें तो फ्रेंड्स, सेफ्टी के लिए ड्राइवर और खाली साइड में आपको सील्ड बेल्ट मिलेगा इसमें, ये देख सकते हैं। ये आपका सेफ्टी का काफ़ी ख्याल रखा गया है, सभी गाड़ियों में आपको दो साइड सीट बेल्ट मिल जाएगी। तो अंदर की बात करें तो अंदर काफ़ी कंडीशन गाड़ी की बढ़िया है, 2010 का मॉडल है। तो देखते हैं रियर व्यू। तो फ्रेंड्स, रियर व्यू की बात करें तो कुछ इस तरह से इसका रियर व्यू आपको देखने को मिलेगा। बीच में फ्रंट में हुंडई का लोगो है, यहाँ पे भी हुंडई का पूरा नाम लिखा हुआ है, और एरा का यहाँ पे लोगो दिया गया है फ्रेंड्स। तो ब्रेक लाइट की बात करें, जो हम ब्रेक लगाते हैं, और तो कुछ इस तरह का शेप दिया हुआ है, और यहाँ पे भी आपको LED लाइट प्रोवाइड की गई है। एंटेना में कुछ इतना ख्याल नहीं रखा है इसमें। यहाँ पे आपको पेट्रोल का पोर्ट मिल जाएगा फ्रेंड्स। और टायर की बात करें फ्रेंड्स, तो इसके चारों टायर फोर टायर न्यू है, एक स्पेयर व्हील भी आपको मिलेगा। और यहाँ पीछे आपको फ्रेंड्स मैं दिखा देता हूँ, ये आपको CNG की किट मिलेगी यहाँ पे, जो 10 किलो में अवेलेबल है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स साइड में दोनों साइड इंडिकेटर आपको राइट लेफ्ट में मिल जाएगी। तो कुछ इस तरह की ओल्ड i20 2010 का मॉडल है, इस तरह कुछ दिखती है फ्रेंड्स। तो इसकी कंडीशन बढ़िया है, मैंने आपको अंदर का, आगे का, पीछे का और अंदर का इंटीरियर भी दिखा दिया फ्रेंड्स। चारों टायर भी नए डले हुए हैं, स्पेयर व्हील भी आपको मिल जाएगा, आगे वाइपर भी आपको अच्छी कंडीशन में मिल जाएगी। देखते हैं इसकी इंजन की कंडीशन। तो फ्रेंड कुछ इस तरह i20 ओल्ड मॉडल 2010 का मॉडल है, इसमें इंजन की कंडीशन कुछ इस प्रकार को आपको देखने को मिलेगी, देख सकते हैं। और यहाँ पे जो CNG है उसका पासिंग का भी डेट आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह की अच्छी बढ़िया कंडीशन है, और ये कंपनी फिटिंग ही इंजन आपको इसमें मिलेगा। और मैं अभी थोड़ी देर में इसकी प्राइस की बात करने वाला हूँ। तो पूरा रिव्यू आपने गाड़ी की कंडीशन भी देख ली, चारों टायर नए डले हुए हैं, स्पेयर व्हील भी आपको इसमें नया मिलेगा, अंदर का इंटीरियर भी आपने देखा काफ़ी बढ़िया है। तो बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो फ्रेंड्स
आपने पूरा वीडियो देख लिया है, इसका अंदर इंटीरियर फ्रंट व्यू रियर व्यू सभी देखा, चारों टायर नए डले हुए हैं, स्पेयर व्हील भी आपको अच्छी कंडीशन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इसकी आस्किंग कीमत है 2.5 लाख रुपये। तो फ्रेंड्स इसमें कोई नेगोशिएबल नहीं होगा, ये फाइनल प्राइस है 2.5 लाख रुपये इसकी फाइनल कीमत है। गाड़ी की कंडीशन बढ़िया है, अंदर का इंटीरियर भी अच्छा है, तो फ्रेंड्स कलर में भी ये आपको अच्छी मिल जाएगी। तो इसका जो कोई भी इंटरेस्ट दिखाता है व्यूअर, नंबर और एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और डिस्प्ले में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियो आपको देखने को मिलेगी मेरे चैनल पे केडी मोटो, मेरी चैनल यूट्यूब पे चैनल का नाम है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो थैंक यू, जय हिंद जय भारत।